नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन, नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन। तो रदरफोर्ड स्टडी नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन, ठीक है। ही प्लेस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इन लेड बॉक्स, ठीक है। इन्होंने रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को जो है एक लेड बॉक्स के अंदर रखा, ठीक है। लेड बॉक्स में यूज करते होते हैं क्योंकि दे आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, ठीक है, और हाईली पेनिट्रेटिंग, तो दे कैन नॉट पेनिट्रेट थिक बॉक्स ऑफ लेड, ठीक है। और हे कीप ए नर्व ओपनिंग, वेरी नर्व ओपनिंग थ्रू हिज रेडियो एक्टिव रे इमर्जेस इन बीम फ्रॉम दी बॉक्स, ठीक है। दिस रेडियोएक्टिव रेज, दिस रेडियोएक्टिव बीम्स पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, है जब रेडियोएक्टिव बीम्स को जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा कि जो है सम रेज बेंड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट एंड सम रेज बेंड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, ठीक है। कुछ रेज जो है पॉजिटिव प्लेट पर मुड़ जाते हैं और कुछ रेज जो है क्या होते हैं नेगेटिव प्लेट पर मुड़ जाते हैं, ठीक है। देखा से देखेगा, ठीक है। ये जैसे पॉजिटिव प्लेट की ओर जो है आप एक फ्लोरोसेंट मटेरियल रखेगा, नेगेटिव प्लेट की ओर रखेगा, ठीक है, और ये इसके ऊपर रखेगा ना, दे गिव साइनिंग, ये क्या करेंगे साइनिंग देंगे, सेंटिलेशन देंगे, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि पॉजिटिव प्लेट की ओर साइनिंग मिलती है, नेगेटिव प्लेट की ओर साइनिंग मिलती है और ऊपर भी साइनिंग मिलती है, ठीक है। तो इसे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि कुछ रे जो है पॉजिटिव प्लेट को मोड़ रहे हैं, कुछ नेगेटिव प्लेट को मोड़ रहे हैं और कुछ जो है सीधे निकल रहे हैं, कुछ क्या हो रहे हैं सीधे निकल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, ये टू प्लेट्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड, ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जब रेडियोएक्टिव रेज जो है रेडियोएक्टिव रेज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो रहे हैं तो तीन पार्ट में ब्रेक हो जाता है, तीन पार्ट में क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है। ये आपका क्या है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाले जो रेज है वो एक नहीं है बल्कि दे आर फॉर्म बाय थ्री रेज, ये तीन रेज से बनी है, ठीक है। जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कर रहे हैं तो तीन पार्ट में ब्रेक हो रहे हैं, इसका मतलब तीन पार्ट है, ठीक है। अच्छा जब मैग्नेटिक फील्ड ने पास किया, ठीक है, तब भी इन्होंने देखा कि तीन पार्ट मिलता है, तीन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से व्हिच इज प्लेस्ड इन ए थिक लेड बॉक्स इमर्जेस थ्रू ए फाइन ओपनिंग लेड बॉक्स है, वहीं पास इन मैग्नेटिक फील्ड एक डॉट स्पेस क्या बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है तो देखा जाता है कि ये तीन डायरेक्शन मोड़ती है, कुछ रेज जो है लेफ्ट मोड़ती है सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर आर्क पर, कुछ राइट मोड़ती है सर्कुलर आर्क पर, कुछ जो है बिना किसी डायरेक्शन के सीधे निकल जाते हैं, ठीक है, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे ने एक कंक्लूजन लिखा था कि देर आर थ्री पार्ट इन रेडियोएक्टिव बीम्स है इमर्जिंग फ्रॉम ए सब्सटेंस, ठीक है। कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो बीम निकल रही है उनमें तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। तब अब जो पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ रही है तो पॉजिटिव प्लेट की ओर तो वही चीज मिलेगा जिस पर के नेगेटिव चार्ज होगा ना, है क्योंकि पॉजिटिव जो है चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब जो है ये जो इसमें जो रेज निकल रही है ये चार्ज पार्ट के क्या है चार्ज पार्ट है, ये जो पॉजिटिव प्लेट की ओर आ रही है इन पर नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और जो नेगेटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, उन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, और जो सीधे जा रहे हैं वो न्यूट्रल है, वो क्या है न्यूट्रल है, जिससे कंक्लूजन निकला कि इसमें एक रेज जो न्यूट्रल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्टेड नहीं होती सीधे निकल जा रही है, ठीक है, और एक जो है
नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और एक में देखा कि नदी का डिवीजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और एक में डिवीजन कम होता है, तो जिसमें डिवीजन कम होता है ये क्या होता है कि ये हेवी पार्टिकल, ठीक है, दिस इज हेवियर देन उदेश इमेजिन कुछ है मैक्सिमम डिवीजन ना, ठीक है, तो जो ये है ये ऐसे पार्टिकल से बनी है जो कि लाइट, ये रे जो है ऐसे पार्टिकल बने जो कि हेवी है ना, क्योंकि इसमें डिवीजन कम है, इसमें डिवीजन ज्यादा, तो डिवीजन ज्यादा से मतलब हल्की पार्टिकल है इसलिए ज्यादा डिवीजन हो रहे हैं, इसमें डिवीजन कम है मतलब इसका मतलब हेवी पार्टिकल है इसलिए इसमें डिवीजन कम है, ठीक है, ये चीज यहां पे मिला मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ रे ज्यादा डिवीजन होते हैं कुछ कम डिवीजन होते हैं ना, तो जो कम डिवीजन होते हैं क्या बता रहे हैं कि ये हेवी पार्टिकल है, तो ज्यादा डिवीजन हो रहे हैं क्या बता रहे हैं कि लाइट पार्टिकल है, और कुछ रे सीधे चले जा रहे हैं क्या बता रहे हैं कि न्यूट्रल है। अच्छा जो ये सर्कल पर चलते हैं हाँ, तो इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्जर्व करके जो है बाय अप्लाइंग फेल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल यू कैन फाइंड चार्ज। तो जैसे इधर ये जो सर्कुलर पाथ बनेगा उसका सेंटर इधर होगा ना, ये जो सर्कुलर पाथ बना है उसका सेंटर यहाँ होगा, ठीक है, और ये जो सर्कुलर पाथ बनाएगा उसका सेंटर यहाँ कहीं होगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो बाय अप्लाइंग फेल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल यू कैन फाइंड डायरेक्शन और डायरेक्शन सॉरी चार्ज प्रेजेंट टाइम में ना, तो अगर फेल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल इफ बी स्ट्रेस और फर्स्ट फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड मेक इट परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट फोर्थ फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज देन थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें दो चीज मालूम है, फील्ड डायरेक्शन मालूम है, फोर्स डायरेक्शन मालूम है ना, ठीक है, तो देखिए फील्ड फोर्स इधर है ना और डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, ठीक है, और फील्ड वहां से इनवर्ड है, ठीक है, तो देखिए इस पर जो है फोर्स की डायरेक्शन ये हुई ना, अब यहाँ क्या बताए यहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है फील्ड इधर है, तो ये इधर ना तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर आ रहा है इसका इधर आ रहा है, मतलब ये दोनों अपोजिट चार्ज है, ठीक है, अपोजिटली चार्ज है, अब कैसा चार्ज होगा ये चीज आप सेट कर लीजिए। तो देखिए जैसे अगर हम फील्ड डायरेक्शन ये मानते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को बता रहा है, ठीक है, और मानते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर क्या होगा बताओ, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर कैसे चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो बाय अप्लाइंग फेल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल वी कैन फाइंड नेचर ऑफ द चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज पार्ट के लिए पॉजिटिव चार्ज पार्ट ये न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है, ठीक है, तब फिर आप अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो कौन सा पार्टिकल है, हैं, इसका मास क्या है, चार्ज क्या है, हैं, तो इसके लिए जो है रदरफोर्ड ने इसका ई वाई एम निकाला, जैसे थॉमसन मेथड से ई वाई एम निकाला जाता है, ठीक है, तो ई वाई एम उन्होंने जब फाइंड किया इस रेस का रेस इज बेंट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, तो जब इसका ई वाई एम इन्होंने निकाला चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो जब इन्होंने निकाला तो देखा ये चार्ज टू मास रेशियो जो है हीलियम न्यूक्लियस के बराबर पाया जाता है, किसके बराबर पाया जाता है, हीलियम न्यूक्लियस है, माने टू यूनिट इस पर चार्ज पाया जाता है, ठीक है, टू यूनिट चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और इसका मास जो है चार्ज है प्लस टू ई का और मास जो है मास ऑफ फोर न्यूक्लियॉन के बराबर है, माने 6.67 इनटू 10^-27 केजी पाएगा, ठीक है, व्हिच इज द मास ऑफ द चार्ज है 3.2 इनटू 10^-19 कूलम पाएगा, तो ये जो है चार्ज है हीलियम न्यूक्लियस है, ठीक है, हीलियम में दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं, ये मास ऑफ फोर न्यूक्लियन है, तो इसे क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि अल्फा पार्टिकल आर हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल के मध्य हीलियम न्यूक्लियस है, ठीक है, अच्छा जो पार्ट नेगेटिव प्लेट को जा रहे हैं इनका नाम जो है अल्फा पार्टिकल रखा, क्या रखा, अल्फा पार्टिकल है, जो नेगेटिव प्लेट को घूम रहे हैं इनका नाम जो अल्फा पार्टिकल रखा या अल्फा रेज रखा, ठीक है, और जो पॉजिटिव प्लेट को जा रहे थे इनका नाम बीटा पार्टिकल रखा, क्या रखा, बीटा पार्टिकल,
और जो सीधे निकल जा रहे थे इनका जो नेम था जस्ट लाइक एक्सरे था, इनका नाम इन्होंने गामा रेज रखा। क्या रखा? गामा रेज। ठीक है, इस टाइप से रेडियोएक्टिव रेज थ्री पार्ट होते हैं, एक अल्फा रेज, एक बीटा रेज, एक गामा रेज है। तो अल्फा रेज बीटा रेज तो ये पार्टिकल्स हैं, फास्ट मूविंग पार्टिकल हैं ना। ठीक है, तो इसलिए अल्फा पार्टिकल, बीटा भी फास्ट मूविंग पार्टिकल है इसलिए इसको बीटा पार्टिकल कहते हैं, और गामा जो है ये रेडियोएक्टिव रेज है, रेडियोएक्टिव रेज लाइक एक्सरे। ठीक है, तो अब जो है अल्फा पार्टिकल, पार्टिकल होते हैं कितना मास है, कितना चार्ज है, इसके लिए रदरफोर्ड का ई वाई एम निकाला। तो इन्होंने देखा कि चार्ज इस पर जो है टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, अब मास जो है फोर न्यूक्लियर के बराबर होता है। तो दिस रिसेंबल टू द हीलियम न्यूक्लियस, किस पर रिसेंबल करता है? हीलियम न्यूक्लियस। और इनकी जो स्पीड होती है, इन्होंने स्पीड से देखा तो इनकी स्पीड जो है 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पाया है। ठीक है, आपसे 1% से 10% तक की इनकी स्पीड थी। ठीक है, तीसरा फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस को इन्होंने क्या नाम रखा? अल्फा पार्टिकल। क्या नाम रखा? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के बीच पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, थर्ड, अरे थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? दे निग्लेक्टेड ए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं ना। ठीक है, तो डिस्पर्सन अकर इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दे डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे डिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है when passed through them, electric and magnetic field.
पास करिएगा तब फिर ये जो है डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, दे एडॉप्ट सर्कुलर पाथ, सर्कुलर आर्क, ठीक है, एंड पाथ फॉलोड बाय देम इज थिक एंड कंटीन्यूअस इन बिल्सन थ्रोट चैम्बर, ठीक है, पाथ फॉलोड बाय सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय देम, सर्कुलर पाथ बनाएंगे तो सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय देम, सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय देम, फॉलोड बाय देम इज थिक एंड कंटीन्यूअस, थिक एंड कंटीन्यूअस, ठीक है, थिक एंड कंटीन्यूअस इन विल्सन क्लोन चैम्बर, इनकी ट्रेसिंग जो है इनके आप इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, दीज रेज एंड पासेस इन विल्सन क्लोन चैम्बर, देन देयर इज कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर अलोंग द पाथ ऑफ अलोंग देयर पाथ बाय ऑब्जर्विंग इंटेंसिटी एंड थिकनेस ऑफ पाथ यू कैन आइडेंटिफाई which particle is alpha and which particle is beta, ठीक है, तो इनका जो पाथ होगा विल्सन क्लाउड चैम्बर में, विल्सन क्लाउड चैम्बर वो क्या होगा, ठीक होगा और कंटिन्यूस होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है, और गामा का जो होगा अरे बीटा का जो होगा वो थिन होगा, वेरी थिन होगा, ठीक है, और लॉन्गेस्ट पाथ लॉन्ग होगा इन कंपेरिजन टू बीटा अल्फा, ठीक है, गामा का जो होता है लॉन्गेस्ट पाथ होता है और जो है डिसकंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस नहीं रहता है, ठीक है, और फोर्थ का ये रेडिएटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज स्मॉल इज लेस देन बीटा पार्टिकल, इनकी जो रेडिएटिंग पावर होती है बीटा पार्टिकल कंपेरिजन में कम होता है, ठीक है, 1/100 टाइम्स देन डेटा बीटा पार्टिकल, 1/10,000 टाइम्स डेटा गामा पार्टिकल, ठीक है, तो रेडिएटिंग पावर इज स्मॉल पेनिट्रेटिंग रेडिएटिंग पावर इज लेस देन बीटा पार्टिकल, लेस देन बीटा एंड गामा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज, बीटा रेज कर लीजिए, बीटा रेज एंड गामा रेज, ठीक है, 1/1000 टाइम्स रेडिएटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल रेडिएटिंग और अल्फा पार्टिकल रेडिएटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल पार्टिकल इज 1/100 टाइम्स डेटा ऑफ बीटा पार्टिकल है, बीटा रेज, ठीक है, बीटा रेज एंड 1/10,000 पार्ट्स ऑफ 1/10,000 टाइम्स डेटा गामा रेज, डेटा गामा रेज, ठीक है, तो इनकी रेडिएटिंग पावर बहुत कम होती है, दे कैन रेडिएट इन एयर अप टू डिस्टेंस 2.7 सेंटीमीटर है, तो दे कैन रेडिएट, दे कैन रेडिएट टू पॉइंट सेवन सेंटीमीटर तक ये में चल सकती है, ठीक है, और इमर्जिंग फ्रॉम यूरेनियम एंड 8.6
फ्रॉम थोरियम, इमर्जिंग फ्रॉम थोरियम है, ठीक है, सेंटीमीटर इमर्जिंग फ्रॉम थोरियम, इमर्जिंग फ्रॉम थोरियम, फ्रॉम थोरियम, ठीक है। तो फैनल दर ये जो रिलेटिव पावर है इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स बाय व्हिच दे आर इमिटेड है। जैसे यूरेनियम से इमर्ज हो रहा है तो 2.7 सेंटीमीटर तक ही चल सकता है, 2.7 सेंटीमीटर की आप यहाँ तक डिस्टेंस होगी, इतने डिस्टेंस आपका फिर रुक जाएगा। और अगर जो है थोरियम से निकल आते 8.7 मतलब इतनी डिस्टेंस चलेगा तब जाकर फिर रुकेगा, है ना, एयर में, ठीक है। तो ऊपर तक कर
अब जैसे अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है मास से बहुत ज्यादा वेलोसिटी अदर पार्टिकल कंपैरिजन में कम है मास ज्यादा है हां सो दे स्टे मोर विद ए गैस मॉलिक्यूल है ठीक है सो दे अनाइजेड मोर सल्फर पार्टिकल स्पीड ज्यादा कम होती है मास ज्यादा होता है इसलिए गैस मॉलिक्यूल के पास ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपने खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रहते हैं इसलिए जब अल्फा पार्टिकल गैस से पास होगा तो गैस को आयनाइज कर देगा गैस को क्या करेगा आयनाइज कर देगा ठीक है तो अल्फा रेस हाँ तो ये जब इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है ना इनकी वेलोसिटी कम होती है मास ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा टाइम लेते हैं गैस मॉलिक्यूल के साथ इसलिए एनर्जी पावर सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल होती है तो एनर्जी पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मैक्सिमम ठीक है 100 टाइम्स मोर देन बीटा पार्टिकल 10,000 टाइम्स मोर देन गामा पार्टिकल ठीक है क्यों ज्यादा होती है इनकी एनर्जी पावर एक क्वेश्चन आता है उसका आंसर क्या होता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल आर लिक्विड एंड हैव पॉजिटिव चार्ज एंड स्पीड इज लेस ना स्मॉल इन कंपैरिजन टू अदर रेस सो दे आयनाइज मोर टू गैस मॉलिक्यूल है ना ठीक है तो ये चलिए लीजिए तो अल्फा पार्टिकल्स पार्टिकल्स आर हैविंग एंड have small velocity and have small velocity. Small velocity in comparison to small velocity. In comparison to other radioactive region. In comparison to beta and rays and gamma rays. Beta rays and अल्फा पार्टिकल ये
फ्लोरेसेंस है इफेक्ट, व्हाइट इंसिडेंट ऑन जिंक सल्फाइड, ठीक है। और जैसे फ्लोरेसेंस मटेरियल पर ग्रेयर तो देन देगी सेंटिलेशन, माने सेंटिलेशन क्या होता है, शाइनिंग लाइट है, जिस पॉइंट पर गिरेंगे वहां पर शाइनिंग शाइनिंग क्रिएट करेंगे, एक पर्टिकुलर रंग का शाइन देंगे, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल गिव्स फ्लोरेसेंस इफेक्ट है, अल्फा पार्टिकल्स पार्टिकल्स गिव्स फ्लोरेसेंस इफेक्ट है, गिव्स फ्लोरेसेंस रेसेंस इफेक्ट व्हेन इंसिडेंट ऑन व्हेन इंसिडेंट इंसिडेंट ऑन फ्लोरेसेंस मटेरियल, फ्लोरेसेंस मटेरियल, फ्लोरेसेंस मटेरियल इंसिडेंट ऑन, जैसे फ्लोरेसेंस मटेरियल आपका जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, बेरियम प्लेटिनम, बेरियम प्लेटिनम साइनाइड, बेरियम प्लेटिनम साइनाइड, सर्टेन कलर का साइन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पोलेशन इफेक्ट क्या होता है, जो व्हेन एनर्जेटिक पार्टिकल इंसिडेंट ऑन जिंक सल्फाइड बेरियम प्लेटिनम साइनाइड एंड देन सम पर्टिकुलर फोटॉन्स आर इमर्जेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस मटेरियल, ठीक है। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज दिस फेनोमेना टेक प्लेस टिल रेडार इंसिडेंट, इसको हम क्या कहते हैं फ्लोरेसेंस। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिन पर एक बार आप रेत गिरा दीजिए तो रेत गिराने के बाद भी उनसे शाइनिंग निकलती रहती है, लाइट निकलती रहती है, वो फॉस्फोरेसेंस कहलाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मेटल स्टेबल स्टेट होता है और एटम मेटल स्टेबल स्टेट वहाँ पर फंस जाते हैं, और मेटल स्टेबल स्टेट की जो लाइफ होती है वो एक्साइटेड स्टेट कंपेरिजन बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस मटेरियल के लिए इतना होगा, हाँ, किसी मटेरियल के लिए एक मिनट होगा, किसी के लिए एक दिन होगा, किसी के लिए एक महीने होगा, तो उतने टाइम तक वो वहाँ से एक बार रेत गिरा दीजिए तो उतने टाइम तक भेज मेटल स्टेबल स्टेट की लाइफ होगी, उतने टाइम तक वहाँ से साइनिंग प्रोड्यूस होती रहती है, ठीक है, रेत निकलते रहते, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जैसे डिअफेक्टिव फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्टेड करती है, ठीक है, इसलिए जो है बैकुरल की जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो चेंज हो गई है, ठीक है। तो डिअफेक्टिव फोटोग्राफिक प्लेट, डिअफेक्टिव फोटोग्राफिक प्लेट दूसरी रेत का दूसरा जो है जो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है वो इसका ईएमआई निकाला गया, ये रेत है जो थी ना, ठीक है, जो पॉजिटिव डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसका जब ईएमआई निकाला गया रेत बैक टू द पॉजिटिव
चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। तो इसलिए इस बीम का नाम क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम या कैथोड रे, इलेक्ट्रॉन बीम को कैथोड रे भी कहते हैं ना, ठीक है। तो कैथोड रेज बीटा पार्टिकल में डिफरेंस क्या है, जैसे कैथोड रेज की स्पीड कम होती है, लेकिन जो बीटा पार्टिकल है इसकी स्पीड जो है, जो इस रेडिएशन से जो पार्टिकल निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल रहे हैं, इनकी स्पीड 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से लेकर के 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पाए गए, ठीक है। आप स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का जो है 1% से लेकर के 99% तक पाए गए, तो कन्वर्ट कर ये कैथोड रे में कैसे डिफर कर रही है, इन स्पीड, स्पीड में डिफर कर रहे हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और कैथोड रे की स्पीड या इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। और ये जो है कैथोड रे है, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम व्हिच आर इमर्जेंट फ्रॉम एटम्स, और ये जो है आपके न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियर फिनोमेना है, वो आपका एटॉमिक फिनोमेना होगा, एटम से इमर्ज होती है, इसको मिटा दें। तो चलिए रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल
व्हाट इज बेसिक कंडीशन ड्यू टू देयर हाई वेट ड्यू टू वेरी लॉन्ग वेजिटेशन ड्यू टू देयर हाई वेजिटेशन एंड लाइट नेचर एंड लाइट मास हाई वेलोसिटी एंड लाइट नेचर एंड लाइट मास पार्टिकल ठीक है और रेडिएटिंग पावर penetrating power of beta particle penetrating power of beta particle is 100 times that of alpha particle alpha particles and 10,000 times data beta particle alpha particle and 100 times data gamma rays तो ये इनका प्रेडिक्टिंग पावर जो है अल्फा से कम होता है और अल्फा से ज्यादा अल्फा और बीटा तो ये क्षेत्र जो है गामा से कम होता है ना धीरे धीरे की जो प्रेडिक्टिंग पावर हो गई अल्फा के कंपैरिजन में 100 टाइम्स होगा और बीटा गामा रे के कंपैरिजन में कम होगा ठीक है तो गामा से कंपेयर करें 1/100
काम हो जाएगा ना, ठीक है। एंड 1/100 टाइम्स डेटा फ्रॉम ये कौन बोल रहे हैं? अरे